Can Gold Retriever survive in India? It's a very, very important topic. Everybody who owns a Gold Retriever or is about to adopt one should watch this video till the end. आखिर में मैंने खुद का personal opinion भी दिया है based on this topic कि what do I think, are Gold Retrievers suited for India or not? Also, if you are new here, welcome to Pet Store. We make tons of dog education videos just like this. It's the content that you don't wanna miss. So make sure you hit that red subscribe button. And also like the video if it was even a little bit helpful. Without any further ado, let's get into the main topic. If you didn't know, Golden Retrievers are from Scotland, which makes them a foreign breed. And foreign breeds ko unke foreign countries ke conditions ke hisab se breed kiya jata hai. So they would definitely take some time to adapt the Indian conditions. लेकिन ये अब हो गई आधी बात, क्योंकि बहुत से ब्रीडर्स अब इन फॉरेन ब्रीड्स को इंडिया में भी ब्रीड करते हैं. तो क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन रिट्रीवर कैन सर्वाइव इन इंडिया? वेल, ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको आगे के दो मिनट में मिलने वाला है. सो डोंट गो एनीवेयर, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू इट. नंबर वन, क्लाइमेटिक कंडीशन. जैसे कि आपको पता है, इंडियन समर्स कैन बी प्रीटी डैम हॉट. यार यहाँ पे हमारे पसीने छूट जाते हैं, तो ये तो फिर डॉग्स है, इनके ऊपर तो बालों का कोट होता है. एंड इन केस ऑफ गोल्डन रिट्रीवर्स देयर आर टू कोट्स, तो फिर आप सोच सकते हो इनकी क्या हालत होती होगी. खैर, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट चेंज. तो फिर हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं. इफ यू डोंट नो, इंडियन समर्स का आइडियल टेम्परेचर आ जाता है समवेयर अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स इंक्रीजिंग ईयर बाय द वे. तो फिर आगे के कुछ सालों में ऐसा टाइम आने वाला है कि बहुत से डॉग्स यहाँ पे इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि बहुत से डॉग्स दैट आई लव कैन नॉट स्टिल सर्वाइव इन इंडिया. तो फिर आगे जाके तो क्या ही हाल होने वाला है, आई डोंट नो. एंड ऑन द अदर हैंड, गोल्डन रिट्रीवर का आइडियल टेम्परेचर आ जाता है समवेयर अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस. आप देख सकते हो दोनों डिग्रीज में कितना डिफरेंस है. बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे उनका उनके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा. सो फर्स्टली, चेंज योर डॉग्स वॉक टाइमिंग्स, कीप इट समवेयर बिटवीन अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून, लेट नाइट, क्योंकि ये टाइम पे गर्मी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर टाइमिंग्स. तो फिर अडैप्ट दिस एंड इससे आपके डॉग को थोड़ी हेल्प हो सकती है. सेकेंडली, ट्राई टू मेक अ कूल टेम्परेचर अराउंड योर डॉग. एसी ऑन कर लो, एसी में ज़्यादातर रखना समर्स में प्लीज़. एंड कभी कभार आइस क्यूब्स दे देना उनको खेलने के लिए, खाने के लिए, इट्स गुड. उनको थोड़ा ईज हो जाता है. एंड देर आर कूलिंग मैट्स अवेलेबल ऑन द मार्केट जिससे उनको थोड़ा आराम मिल सकता है. एंड लास्टली, अगर हो सके, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू, उनका फर थोड़ा ट्रिम कर लो. आई नो उनके अपीरियंस में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, बट एट द एंड इट्स फॉर देयर बेनिफिट. तो फिर मेक श्योर यू ट्रिम योर डॉग्स फर, तो फिर उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा ये गर्मी के मौसम में. नंबर टू, डेंजरस स्ट्रीट्स. अगर आप इंडिया में रहते हो, देन यू नो हाउ डेंजरस स्ट्रीट्स कैन बी फॉर यू एंड योर डॉग. फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन योर डॉग. आपके सेफ्टी के ऊपर हम फिर कभी वीडियो बना लेंगे. सो बिफोर लेटिंग अ गोल्डन रिट्रीवर वॉक ऑन इंडियन स्ट्रीट्स, देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू एंड योर डॉग शुड नो. सबसे पहले, योर डॉग मस्ट बी फुल्ली लीश ट्रेन्ड नो मैटर वॉट. ओबीडियंस ट्रेनिंग इज कंपल्सरी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका डॉग लीश छुड़वा के किधर भाग गया है, क्योंकि इट्स नॉर्मल इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि मैक्स टू मैक्स वहाँ पर अगर डॉग्स गुम हो जाते हैं, देन दे आर फाउंड इन लाइक 2 to 3 days मैक्सिमम. इंडिया में ऐसा नहीं है. दीज रोड्स, दीज स्ट्रीट्स आर टू डेंजरस फॉर दीज नाइस सोल्स, क्योंकि देर आर स्ट्रे डॉग्स हु कैन हार्म देम. देर आर व्हीकल्स, स्पीड रनिंग व्हीकल्स ऑन द रोड्स, एंड यू नो वॉट मोर, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डेंजरस फॉर अ डॉग इन इंडिया. तो फिर दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस हियर वुड बी, प्लीज वॉक योर डॉग ऑन फुटपाथ्स एंड नॉट ऑन द रोड, बिकॉज as said, it's too dangerous. Number three, unhealthy stray dogs. Now lots of people spread this false information ki pet dogs ko strays ke saath nahi khilana chahiye, which is kind of wrong, kyunki aapke dog ka strays ke saath khelne se unhe rabies nahi ho jayega. But yes, aapke dog ka vaccination hona bahut zyada zaruri hai.
यू कैन नॉट लेट योर डॉग कम नियर एनी स्ट्रे डॉग्स अनलेस योर डॉग इज फुल्ली वैक्सीनेटेड, क्योंकि उससे आपके डॉग को रेबीज हो सकता है एंड विच कैन बी अ बैड न्यूज. तो फिर येस, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाते, आई वोंट अलाउ योर डॉग टू गो नियर एनी अदर स्ट्रे डॉग. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो टैग्ड अलॉन्ग हो सकती है, जैसे कि टू मच इंटरेक्शन ऑफ योर डॉग विथ स्ट्रेस कैन लीड टू स्किन इन्फेक्शन, फ्लीज एंड टिक्स, सम कॉमन फ्लूज, और ये सब चीज़ें का आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दैट्स द कंडीशन ऑफ स्ट्रेज इन इंडिया. इन बिचारों का कोई हेल्प नहीं करता है. दे आर आई मीन प्लीज़, अगर आपके गली में कोई डॉग्स है जो ऑफकोर्स होंगे, तो फिर मेक श्योर यू हेल्प देम अ लिटिल बिट, एटलीस्ट एक दो रोटी दिन में दे देना, या फिर ट्राई टू वैक्सीनेट देम, गिव देम अ बाथ समडे, कुछ अच्छा करना उनके लिए, बिकॉज दे नीड योर हेल्प. ओके, एंड प्लीज़ कंसिडर दिस. ऑल्सो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यू कैन लेट योर डॉग प्ले विद स्ट्रेज, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन डू इट ऑन योर ओन रिस्क. ठीक है, अगर आप उनसे आपके डॉग को उनके साथ खिला रहे हो, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आप ध्यान रखो कि आपके डॉग के साथ कुछ बुरा ना हो. ठीक है, माई ओपिनियन, द फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड द क्वेश्चन इज कैन गोनेटिवर सर्वाइव इन इंडिया. आई हैव टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. येस, टू आंसर्स, पहले येस एंड नो. वाई येस? क्योंकि दे आर ग्रेट डॉग्स, दे आर अडैप्टेबल डॉग्स, and they can only survive in India for very one reason, and that is with the help of their owners, with the help of you. Aapke bina they cannot survive in India. Not only golden retriever, any other breed. Aapke agar aap dhyan nahi rakhoge, then koi bhi breed India mein survive nahi kar payegi. Why no? Because they are great dogs, but India ke climate ke hisab se they are not ideal for it. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर्स आर नॉट मेड फॉर इंडिया, बट लेट इट बी, एट द इट्स ऑन यू. अगर आपको गोल्डन रिट्रीवर लेना है या नहीं, अगर आपने ले लिया है, एंजॉय, हैव अ ग्रेट लाइफ, दे आर ग्रेट डॉग्स. यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू. आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा. अगर किया है, देन आपको लेफ्ट साइड पे हमारा लोगो दिखता होगा, क्लिक दैट लोगो, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लिटरली हर वीक अपलोड कर रहे हैं ऑन गोल्डन रिट्रीवर्स एंड ऑल द अदर ब्रीड्स. एंड अगर आपने हमारा लेटेस्ट वीडियो चेक नहीं किया है, नीचे आपको वीडियो दिखता होगा, क्लिक करो, देख लो, अच्छा वीडियो है यार. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी नेक्स्ट वीक. सो बाय.